हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ गौरवी राठौर एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर एंड दिस इज़ योर लेक्चर सेकेंड ऑफ चैप्टर फिफ्थ। देखिए, फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेटिंग होता क्या है और आप जो है फॉन्ट टाइप कैसे चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट टाइप और साइज किस तरह से चेंज कर सकते हैं। आज उसके आगे रीड करेंगे अप्लाइंग बोल्ड इटैलिक एंड नंबर लाइन इफेक्ट। बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन इफेक्ट का यूज़ करके आप अपने फॉन्ट को किस तरह से अट्रैक्टिव बना सकते हो। द फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन सच एज बोल्ड फेस, इटैलिक एंड अंडरलाइन आर यूज टू एम्फेसाइज द टेक्स्ट एंड कैच द रीडर्स अटेंशन। देखिए, जो फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन होते हैं जैसे कि बोल्ड फेस है, इटैलिक है, अंडरलाइन, ये सब आप यूज़ इसलिए करते हो ताकि आप जो अपने टेक्स्ट को क्या कर सको, एम्फेसाइज कर सको, ताकि और जो रीडर है उसका अटेंशन जो है क्या कर सके, कैच कर सके, ताकि वो जो पढ़ने वाला है उसका तुरंत आपका जो है उसका अटेंशन उस तरफ जाए। इसलिए हम जो है टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। सबसे पहले बोल्ड, इट मेक्स द सिलेक्टेड वर्क डार्कर दैट द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। ये आपका क्या करेगा, या आप जो भी टर्म या फिर जो भी वर्ड जो है आप सिलेक्ट करते हैं उसे आपको उसका जो है उसे डार्क कर देगा काफ़ी, ठीक है। बाकी टेक्स्ट आपका नॉर्मल फॉर्म रहता है, बस वो वर्ड जो आपका क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, ये इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। इटैलिक, दिस इफेक्ट एम्फेसाइज द टेक्स्ट बाय स्लैंटिंग इट टू द राइट। इटैलिक में क्या होता है, जो आपका टेक्स्ट होता है वो आपका थोड़ा सा स्लैंट हो जाता है, मतलब आप जो वो है थोड़ा टेढ़े टेढ़ा के लिखने टाइप होने लगता है। बाकी आपका सही तरीके से लिखेगा बाकी जो है, लेकिन वो पर्टिकुलर टर्म जो होता है वो आपका किस में लिखने लगता है, इटैलिक फॉर्म में। अंडरलाइन, इट एम्फेसाइज टेक्स्ट बाय रिप्लेसिंग अ लाइन अंडर इट। ये क्या करता है, अगर आप अंडरलाइन कर देंगे तो ये जो है जैसे आप अपनी कॉपी बुक्स में जो इंपॉर्टेंट लाइन्स होती हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, तो सेम तरीके से इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, वर्ड्स या सेंटेंसेस के नीचे अंडरलाइन होने स्टार्ट हो जाती है। वी कैन अंडरलाइन अ वर्ड और सेंटेंस अलॉन्ग विद स्पेसेस, ठीक है। और ये देखिए, हम जो है वर्ड को भी अंडरलाइन कर सकते हैं, सेंटेंस भी अंडरलाइन कर सकते हैं। तो जैसे अगर कोई भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है या लाइन है तो हम उसको नीचे अंडरलाइन ऑप्शन का यूज़ करके अंडरलाइन कर सकते हैं। टू अप्लाई एनी फॉन्ट स्टाइल इफेक्ट, अब कोई भी स्टाइल इफेक्ट को आप अप्लाई कैसे करोगे, सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्टेड द टेक्स्ट, क्लिक ऑन द बटन दिस दिस और दिस। देखिए, उसके बाद आपको इस पे या इस पे या इस पे आपको क्या करना है, फॉन्ट ग्रुप में जाना है जो कि होम टैब में होता है, आपको ये बटन्स मिलेंगे, इन पे क्लिक करना है। अगर आप बोल्ड करना चाह रहे हैं सेंटेंस तो बोल्ड पे क्लिक कीजिए, इटैलिक करना चाह रहे हैं तो आई पे कीजिए, अगर अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो यू पे कीजिए। वर्ड 2016 प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शन। वर्ड 2016 आपको जो है कई सारे आपको ऑप्शन देता है फॉर्मेटिंग के लिए, विच कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ऑन द होम टैब, जो कि आपका कहाँ होता है, आपका होम टैब में होता है, फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में। सिंपली क्लिक ऑन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इन द फॉन्ट ग्रुप, या फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पर डायरेक्टली क्लिक कीजिए और आप चेंजमेंट उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेंजिंग टेक्स्ट कलर, आप टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करोगे। आप वर्ड 2016 प्रोवाइड एन ऑप्शन टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट। वर्ड 2016 आपको ये भी ऑप्शन प्रोवाइड कराता है कि आप जो है वर्ड का क्या, टेक्स्ट का क्या कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहें तो, अगर ब्लैक कलर है नहीं रखना चाह रहे हो, रेड करना चाह रहे हो, ब्लू करना चाह रहे हो, तो आप वो भी उसमें चेंजमेंट कर सकते हो। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सिलेक्ट द टेक्स्ट, सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और क्लिक ऑन द होम टैब, होम टैब पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट कलर बटन। इसके बाद आपको क्या करना है, फॉन्ट कलर बटन जो कि आपका होम टैब में होता है इस तरह से, इसमें जो है आपको इसके नेक्स्ट, इसके बिल्कुल साइड में आपको एक ड्रॉप डाउन एरो दिखेगा, उस पर क्लिक करना है, सिलेक्ट द डिज़ायर्ड कलर फ्रॉम द डिस्प्लेड फॉन्ट कलर मेन्यू। उसके बाद आपको वहाँ से आपको क्या करना है, जो भी कलर आपको चाहिए आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं और वो आपका जो कलर है उस कलर से आपका फॉन्ट टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। चेंजिंग टेक्स्ट केस, आप टेक्स्ट केस कैसे चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज द केस ऑफ द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विदाउट रिटाइपिंग इट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखिए, हम जो हैं टेक्स्ट को, जो भी हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं उसे जो है हम बिना रीटाइप के उसका हम केस चेंज कर सकते हैं, मतलब उसे लोअर केस अपर केस में यूज़ कर सकते हैं। टू डू सो सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड चूज द चेंज केस ऑप्शन।
ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद चेंज केस ऑप्शन जो आपका फॉन्ट ग्रुप में ही होता है उस ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। वर्ड 2016 प्रोवाइड 5 टाइप ऑफ केस कन्वर्जन, वर्ड 2016 जो आपको 5 टाइप के केस कन्वर्जन आपको देता है, प्रोवाइड कराता है, विच आर एज फॉलो, जो इस तरह से हैं। सो क्लास आज के लिए इतना ही, आपको होमवर्क ये कि आप ये केसेस जो हैं क्या करेंगे, रीड करेंगे और पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे अपने आप। आई होप यू एन्जॉय माई क्लास। थैंक यू।